नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ दीपिका। क्या दीपिका पादुकोण लक्ष्य सेन को अपने परिवार में शामिल करना चाहती है? ये बातें तब से उठी है जब से लक्ष्य सेन दीपिका पादुकोण की फैमिली के साथ स्पॉट हुए हैं डिनर पर। दरअसल पादुकोण फैमिली के लक्ष्य सेन काफ़ी करीबी हैं। 10 साल के जब वो थे तब से वो पादुकोण एकेडमी में आ चुके थे और उन्हें ट्रेन किया है प्रकाश पादुकोण ने, जो कि दीपिका पादुकोण के फादर हैं। और जब ओलंपिक्स हुआ तो वहाँ पर 4th नंबर पर थे लक्ष्य सेन। अब ऐसे में दीपिका पादुकोण ने उनके साथ डिनर किया है, वो भी तब जब जल्द ही वो बेबी को जन्म देने वाली है। अब इस बीच उनके ससुराल वाले भी स्पॉट हुए तो सवाल उठने लगे, क्या दीपिका पादुकोण लक्ष्य सेन को परिवार में शामिल करना चाहती है? क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ लक्ष्य सेन थे और उस फैमिली मेंबर्स में उनकी नंद ऋतिका भवनानी भी साथ में थी। चलिए आपको दिखाएंगे तस्वीरें भी। वेल, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि सारी की सारी लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंचे जल्द से जल्द। दीपिका पादुकोण बेबी बम के साथ स्पॉट हुई, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। और लक्ष्य सेन और वो जब मीडिया के सामने आए तो हर कोई हैरान हो गया। वहां से दीपिका पादुकोण ने फिर हक किया लक्ष्य सेन को और बाय बाय कहकर वो निकल गई अपने फादर इन लॉ के साथ। लेकिन पीछे से आ रही थी उनकी नंद ऋतिका भवनानी, जो कि लक्ष्य सेन से बात करती हुई भी दिखी। तो क्या दीपिका पादुकोण रिश्ता जोड़ना चाहती है लक्ष्य सेन के साथ ऋतिका भवनानी का? वेल, ये तो मालूम नहीं है, क्योंकि भवनानी जो फैमिली है वो लक्ष्य सेन से पहली बार मिली है। हालांकि पादुकोण फैमिली लक्ष्य से पहले भी मिल चुकी है, यहाँ तक कि दीपिका पादुकोण लक्ष्य सेन को फॉलो भी करती हैं इंस्टाग्राम पर। वेल, अब देखने वाली बात होगी, ये तो फ्यूचर में मालूम चलेगा क्या लक्ष्य सेन भवनानी परिवार का हिस्सा बनते हैं या फिर पादुकोण फैमिली का। आपको कैसी लगी तस्वीरें कमेंट कर जरूर